महंगाई अब महिषासुर के मुंह की तरफ फैलती जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना दुर्भर होता जा रहा है। पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और यही हाल रहा तो हो सकता है चंद दिनों में डीजल भी 100 का आंकड़ा पार कर लेगा। यही वह सरकार है जो कई तरह के वादे जनता जनार्दन से किए थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा, काला धन लाऊंगा, 15 लाख सभी के अकाउंट में आएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होगी, स्मार्ट सिटी बनेगा। पर हकीकत जनता को अब पता चल रहा है कि भाजपा सरकार ने जनता से किए वादों को कितना पूरा किया है। अब वह लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो जनता को यह समझाते थे कि भाजपा नए भारत का निर्माण करेगी। महंगाई चरम पर पहुंच गई, किसान अपनी मांगों को लेकर 2 महीने से सड़क पर हैं, 200 से ज़्यादा किसान हक मांगने के फेर में जिंदगी गंवा चुके हैं। पर सरकार है कि यह कह रहे हैं कि किसानों के लिए लाए गए यह बिल फायदेमंद है। सरकार यह भी कह रहे हैं कि 7 दशक से जरूर नीतियाँ बनाई जानी थी, पर उन नीतियों पर को पिछली सरकार ने नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल के भावों में इजाफा हो रहा है। हम तो 5 ट्रिलियन का सोचकर परेशान हैं कि उसका क्या हुआ। पर खैर, जनता को अब यह कैसा लग रहा है यही जानने की कोशिश किए तो चलिए जानते हैं जनता कितना खुश है। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल गैस के साथ महंगाई पर जनता का क्या कहना था, आप भी सुने। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। मैं आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं विद्या भांडेकर, कांग्रेस जिला सचिव। विद्या जी, ये बताएं कि आप मोदी सरकार हाय हाय कर रही थी, मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे दे रही थी, आखिर मोदी को क्यों भगाने पे तुले हुए आप? मोदी सरकार ने जो हमसे वादे किए थे उस वादे में वो असफल हुए हैं। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, देश से बाहर काला धन लेकर आएंगे, ना उन्होंने कभी बेरोजगारी हटाई है ना देश से काला धन वापस लाए है। और कहा था कि हम लोग सब लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, वो भी कहीं वो उनका नज़र नहीं आ रहा है। आज सब लोग बेरोजगारी से हैरान है और सबके जो भाव है वो गगन से भिड़े हुए हैं। जी, जैसे कि 15 लाख की आपने बात कहा, मोदी सरकार ने तो कहा था कि वो जुमला था, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने देश के नागरिकों को गुमराह किया है? हाँ, देश के नागरिकों को आज तक वो बेवकूफ़ी बनाते आए हुए हैं। हर चीज़ में उनका जुमला ही है, कोई एक बात उनका वादा कोई भी आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया हुआ है। आज जिस 70 साल में इस देश की संपत्ति थी उसका भी उन्होंने पूरी तरह से वाट लगा चुके हैं। हम लोगों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य उन्होंने पूरी तरह से दाव पे लगा दिया हुआ है। जी, मेरा नाम शारदा शाह है। शारदा जी, ये बताएं कि जिस तरह से अभी घोषणाबाजी हो रही थी कि मोदी भगाओ देश बचाओ, आखिर क्या वजह मोदी को भगाने में महिलाएं सब क्यों तुली हुई है? जी, वजह ये है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ते हुए डीजल के दाम हैं, पेट्रोल के दाम हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और उनके कंट्रोल नहीं होने की वजह से हर चीज़ों का दाम बढ़ रहा है और इसका असर हमारे किचन पे आ रहा है। जी, सबसे पहले देखा जाए तो दाल भाजी कुछ भी सस्ता नहीं है आज की तारीख में। आज जो ड्यूटी हुई इंसानों की, जो एक वक्त का काम करते थे, 8 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, अब उसको 12 घंटे की कर दी है, ना उसमें ओवर टाइम मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। और रही बात जो इस लॉकडाउन में हुआ, उसमें बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ गई है, तो बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं। एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से नई जॉब जहाँ से ढूंढ के कर रहे हैं वहाँ उनकी तनख्वाह जैसे पहले थी वैसे नहीं मिल रही है, ऊपर से महंगाई का जो जोर पड़ रहा है उसका तो असर दिखता ही रहेगा। तो लोग कैसे सरकार से लोग कैसे संतुष्ट रहेंगे? सर जी, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से आज किसान 70 दिन से ज़्यादा धरने पर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार उनकी बात मान लेगी? आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के प्रति? जी, किसान जो है अपना अन्नदाता है, तो किसान की बात तो उनको माननी चाहिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश में जो उगता है और तभी हम लोग खाते हैं। तो जो फार्मर्स है उनकी आशा यही है कि ये जो बिल उन्होंने निकाले हैं उन बिल को पीछे लिया जाए, और ये फार्मर के हित में नहीं है। तो आपको लगता है कि सरकार उनकी बात मान लेगी? जिस तरह से सरकार अड़ी है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि सरकार उनकी बात मान लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अपना फायदा नजर आ रहा है। किसके फायदे की बात कर रही है? अडानी अंबानी किसकी? सीधी सी बात है, जो भी आज की तारीख में हो रहा है अडानी अंबानी के ही जेब में जा रहा है। मेरा नाम सलमा खान है और मैं यहीं पे इस बिल्डिंग में रहती हूँ। शिल्पा जी, ये बताएं कि जिस तरह से आज के तारीख में गैस की कीमतों में, गैस के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है, इससे कुछ किचन का बजट गड़बड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
सब पूछिए मत, मतलब इतना हम लोग को तकलीफ है जी। एक तो सैलरी वगैरह बढ़ रहा नहीं है जी। दूसरी बात, आजकल गैस वगैरह में इस महीने में गैस में देखा जाए तो 100 से 150 रुपया ज्यादा बजट बढ़ चुकी है, और ऊपर से पेट्रोल में भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल में भी बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे 100 रुपीज मतलब पेट्रोल की कीमत हो गई है जी। अगर ऐसे ही भाव बढ़ते रहे और हमारे सैलरी में, हमारे रोजी रोजगार में, कोई चीज़ों में, सामान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है कोई चीज़ में, तो हमारा घर गुजर कैसे चलेगा और गरीब इंसान कैसे जिएंगे बताइए। तो आप भाजपा के जो कार्य प्रणाली है उससे कितने संतुष्ट हैं? भाजपा से एक्चुअली कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन क्या है कि उनको भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम पे इतना ज़्यादा महंगाई तो नहीं थी जी। लेकिन भाजपा के टाइम में अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लेकिन हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना महंगाई बढ़ाना, हमारे इंडिया में गरीब अमीर लोग सिर्फ नहीं रहते, गरीब के भी एक तबके हैं। आप हमारे एरिया के हिसाब से आप देख सकते हो, हाँ हम रोज कमाने और रोज खाने वाले इंसान, अगर हमारे सैलरी वगैरह नहीं बढ़ेगा, हमारी चीज़ों पर कुछ हो, मतलब सरकार नहीं सोचेंगे और इतना कीमतें धड़धड़ बढ़ते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, लॉकडाउन में भी इतनी तकलीफें थी, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ थोड़ा बहुत महंगाइयों में सुधार होने लगी है, महंगाई तो हो रही है लेकिन काम धंधे थोड़ा चालू हो गया, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी फिर से सुनने में आ रहा है लॉकडाउन होगा। अगर इस बार लॉकडाउन हो गया तो पहले तो अनाजे लोग के बांटे करते थे, जिसके पास पैसे मालदार हो जो थे, अब कौन बांटने वाला और अब कैसे क्या होने वाला है? ये बताएं कि जिस तरह से गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, इससे किस तरह की तकलीफें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? भाई इसमें तो बहुत हम लोग को तकलीफ हो रही है जी, घर के मतलब गैस के सिलेंडर में इतना कीमत हो गया, 150 से 150 रुपया बढ़ चुका है जी, तो इंसान कहाँ से कर पाएगा जी। हम लोग ऑटो चलाने वाले इंसान हैं, हम लोग के तो अच्छा, आपके पति ऑटो रिक्शा चलाते हैं जी जी, तो हाँ। कैसा है कारोबार, कैसा चल रहा है उनका कारोबार? तो धंधा में बहुत मंदा है अभी, मतलब कि बहुत परेशानी है। अच्छा, बहुत परेशानी है जी। तो सरकार की जो नीतियाँ हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पास हो गई है, फेल हो गई है? फेल हो रही है, फेल हो गई है उनकी नीतियाँ। अभी तो लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ, थोड़ा सा सब चीज़ सस्ता हुआ, फिर से महंगा हो रहा है, मतलब अभी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। खैर लॉकडाउन तो खैर जिस तरह से पहले हुआ था उस तरह से होना मुश्किल है जी। हाँ, लेकिन महंगाई के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? चीज़ें सस्ती हो गई है, महंगाई कम हो गई है क्या? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप जी? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? वही सरकार से बोलना चाहती है कि इंसान इतना मतलब गरीब है, अमीर है, सब है, उन लोग के हिसाब से मतलब हर चीज़ सस्ता महंगा होना चाहिए ना, तो मतलब सरकार को चाहिए कि आम आदमी को भी ध्यान में रखे जी। आज हम लोग गाजीपुर के बॉर्डर पे खड़े हैं, किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए झारखंड से चल के आए हुए हैं, और जिस तरह का आज हम लोग ने पूरा बॉर्डर का मुआयना किया है, जिस तरह से किसान आज परेशान है, 77 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, इस आंदोलन को हम लोग आज ताकत देने के लिए झारखंड से चल के हमारे साथ झारखंड के साथी लोग हैं, और हम लोगों ने कल संसद भवन का भी घेराव किया है इस आंदोलन को लेकर, और हमारे साथ क्षेत्र के एक साथी है जिनमें कल आंदोलन में प्रशासन ने जिस तरह से बर्ताव किया है, हम लोगों को मारने का काम किया है, हम देख सकते हैं इनके चेहरे पे जिस तरह की चोट लगी हुई है। आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन का जन सैलाब हम लोगों ने झारखंड में भी इसका 20 तारीख को एक तिथि तय की हुई है, और 20 तारीख को बहुत बड़ा ट्रैक्टर रैली निकाला जा रहा है, जिसपे इस आंदोलन को हम लोग बहुत बड़ा रूपरेखा का तैयार कर रहे हैं।